नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में, जिस डेटा का पूरे मार्केट को बेसब्री से इंतजार था वो डेटा आ चुका है दोस्तों। अमेरिका का जॉब्स डेटा कहते हैं उसे। अब कैसा रहा है ये जॉब्स डेटा और कैसे आपको इससे संकेत लेने हैं, बस यही चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। कल हमने आपके साथ सबसे पहले कवर करा था, जो चीज होती है वही बताते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कहानी बना दी। कल क्लियरली बोला कि जॉबलेस क्लेम डेटा तो पॉजिटिव है लेकिन फ्रेश हायरिंग का डेटा नेगेटिव है। अब भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे तो मैथ हमेशा कहता है प्लस माइनस माइनस, एक्चुअली में कल हुआ भी यही मार्केट में प्लस माइनस माइनस हो गया अमेरिका डाउ। अब यहां पे जो आज डेटा आया है वो कैसा है मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताऊंगा। पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं फिर डेटा पे आते हैं। अगस्त पेरोल्स ग्रू बाय अ लेस देन एक्सपेक्टेड 1,42,000 बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिक्ड डाउन टू 4.2%। नॉन फार्म पेरोल्स एक्सपेंडेड बाय 1,42,000 ड्यूरिंग अगस्त डाउन फ्रॉम 89,000 इन जुलाई एंड बिलो द 1,61,000 कॉन्सेंसिस फॉरकास्ट। आगे चलते हैं डायरेक्टली, देखते हैं कि भैया कैसा रहा है डेटा और अमेरिका का बाजार भी ओपन हो चुका है। अमेरिका का बाजार कैसा है पहले वो बताता हूं। अमेरिका का बाजार में डाउ जोन अच्छा कर रहा है दोस्तों, मिला जुला है, मतलब एक इधर ईस्ट वेस्ट हो गया इस समय। डाउ 235 पॉइंट ऊपर है और नेस्डेक 0.5% नीचे है, 0.55% डाउन है और डाउ 0.58% अप है। तो ये भैया विरोधी हो गए हैं आज एक दूसरे के। रसल 2000 1/3% ऊपर है, S&P 500 फ्लैट है। अमेरिका कुछ संकेत नहीं दे रहा, सिंपल क्रिस्टल क्लियर भाषा में मैं बात करूं तो अमेरिका कोई संकेत नहीं दे रहा है अभी तक जो बाजार ट्रेड कर रहा है। अब मैं डायरेक्टली डेटा बताता हूं दोस्तों सिंपल और सरल भाषा में। चलते हैं हेडलाइन से, तो हमें ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं लेकिन अभी डेटा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये डेटा की शुरुआत हुई दोस्तों लगभग 6 बजे के करीब से, जब मैं देख रहा था यूरोजोन यूएस मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स। सबसे पहले यूएस मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स देखा जाए तो -24,000 थे, अनुमान था कि -2,000 होंगे, यानी कि अनुमान से ज्यादा तो नेगेटिव है। यूएस एवरेज आवरली अर्निंग 0.4% पे रही है, अनुमान 0.3% था तो ये पॉजिटिव है। यूएस एवरेज आवरली अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3.8% पे आए, 3.7% के सामने अच्छा है। यूएस प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स एक्चुअल आया है 1,18,000 पे वर्सेस 97,000, तो बढ़कर आया है वर्सेस के सामने लेकिन अनुमान से कमजोर रह गया है तो ये खराब है। 1,18,000 लोगों को नौकरी मिली है, काम पे हैं और 1,40,000 का अनुमान था। आगे देखा जाए अगर तो यूएस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स रिवर्स कोर्स राइज शार्पली आफ्टर जॉब्स डेटा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स फॉल टू 3.657% लोएस्ट सिंस, सिंपल भाई साहब ये रेट कट दिखा रहे हैं। यूके 10 ईयर गिल्ड्स नाउ यील्ड 21 बेसिस पॉइंट ओवर यूएस 10 ईयर ट्रेजरीज बिगेस्ट स्प्रेड इन 1 ईयर। आगे देखा जाए तो और कुछ डेटा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार ताकि हम और अच्छे समझ में आए। फेड विलियम्स ने कहा है वॉन्ट टू लुक एट लेटेस्ट जॉब्स रिपोर्ट डेटा मोर क्लोजली, डेटा टूडे कंसिस्टेंट विद स्लोइंग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की स्लो दिख रही, फेड विलियम्स ने कहा है मूविंग इन राइट डायरेक्शन बट नॉट देयर येट ऑन 2% इन्फ्लेशन, लोअरिंग रेट्स इज अबाउट हेल्प कीप जॉब मार्केट इन बैलेंस। अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ फिर अभी आपको बताता हूँ, मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था। अब मैं आपको सिंपल बात समझा रहा हूँ, भैया अमेरिका कह रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन 2% इन्फ्लेशन से अभी दूर है, हम रेट कट करेंगे ताकि लोगों के पास नौकरियां बनी रहें, लोगों के पास नौकरियां रहें, और जो जॉब्स डेटा आया है वो दर्शा रहा है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं गई हैं जितना अनुमान था। जैसा कि मैंने आपको बताया 1,40,000 का अनुमान था, 1,18,000 रह गई है। तो ये डेटा अगर आप पूरा इसका तोड़ मरोड़ के देखें तो हल्का नेगेटिव साइड पे है, और जो विलियम साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रेट कट करेंगे इन्फ्लेशन से दूर हैं और रेट कट इसलिए करेंगे ताकि जॉब्स लोगों के पास पहुंचती रहें। अब इस डेटा से हमें क्या समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा डेटा में मजा नहीं है लेकिन ऑलरेडी अमेरिका काफी टूटा था तो थोड़ा सा शांत दिख रहा है डाउ, लेकिन आपको पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ज्यादा क्योंकि डेटा नेगेटिव ही है तो अच्छे संकेत तो नहीं है। बाकी इस डेटा के बाद रेट कट की उम्मीदें पूरी तरीके से आ गई हैं कि रेट कट तो होगा।
अब रेट कट होगा ये तो सबको पता है, रेट कट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट। अब इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है पूरे मार्केट में। मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है देन इट्स ओके, 50 बेसिस पॉइंट का आता है तो मार्केट डर जाएगा और बाजार टूट जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि मार्केट फिर समझेगा कि इकोनॉमी ज्यादा ही स्लो हो गई है अमेरिका की, जिसको बूस्ट करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार रहे हैं, और 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी डगमगा सकता है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। द यूएस इकोनॉमी क्रिएटेड स्लाइटली फ्यूअर जॉब्स देन एक्सपेक्टेड इन अगस्त, रिफ्लेक्टिंग अ स्लोइंग लेबर मार्केट व्हाइल ऑल्सो क्लियरिंग द वे फॉर द फेडरल रिजर्व टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स लेटर दिस मंथ। सिंपल है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है ये दिख रहा है अगस्त के जॉब डेटा के बाद, और इसने रास्ता क्लियर कर दिया है फेड के लिए रेट कट अगले महीने हो जाए यानी कि सितंबर में, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नॉन फार्म पेरोल्स एक्सपेंडेड बाय 1,42,000 ड्यूरिंग द मंथ, अप फ्रॉम 89,000 इन जुलाई एंड बिलो 1,061। तो ओवरऑल देखा जाए तो हल्का नेगेटिव ही चीज दिख रही है, ये दर्शा रहा है क्लियरली कि रेट कट आ रहा है आपके लिए। अब रेट कट तो आ रहा है लेकिन 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट ये देखने वाली बात है, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है ये डेटा क्लियरली दिखा रहा है, नेगेटिव डेटा है, जो उम्मीदें थी वो एग्जैक्टली दिख गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, और इसी पे बाजार रिएक्ट करेगा। अमेरिका की जो ये तेजी दिख रही है आई थिंक ये टिकाऊ नहीं होगी, वापस से नीचे आ सकता है। अमेरिका पॉजिटिव बन रही है अभी, थोड़ा सा कॉशियस साइड पे रहिए, ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, कॉशियस साइड पे बैठो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।